हेलो फूडीज फ्रेंड्स, मैं सबा फिरोशी, एक सबस किचन में आप सबका स्वागत है। मैं बना रही हूँ गार्लिक चना। इसे आप रमज़ान में इफ्तार के लिए बनाएं या फिर चाय के साथ खाने में भी ये बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी लगते हैं। इसे आप स्नैक्स के तौर पर बनाएं एंड आई एम श्योर आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए बनाते हैं गार्लिक चना। गार्लिक चना बनाने के लिए हमें चाहिए काबुली चना 1 कप, काबुली चना वही जिसे हम छोले बनाते हैं, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 15 लहसुन की कलियाँ, 8-10 करी लीव्स, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 3 से 4 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई हरे धनी की पत्तियाँ और चना फ्राई करने के लिए चाहिए होगा तेल। जब कभी हमें गार्लिक चना बनाना होता है तो सबसे पहले हमें चने को पानी में सोक करना होता है, तो इसे बड़े बर्तन में डालें और चने को पहले एक बार पानी से वॉश कर लें ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। तो लीजिए, चने को मैंने साफ पानी से धो लिया है। अब इसमें 2 गिलास पानी डालकर चने को ढककर ओवरनाइट भीगने रख देंगे, या फिर अगर इसे आप दिन में बना रहे हो तो कम से कम 8 घंटे के लिए तो पानी में भीगने दें इसे। लेकिन अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए सोक करेंगे यानी कि पूरी रात के लिए, तो ये बहुत ही अच्छे से फूलकर पकने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए, चने को ओवरनाइट सोक कर लिया है और ये फूलकर पकने के लिए तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूले हैं ये। अब इसे हमें बॉईल करना है, लेकिन ये जो पानी है इसे हम फेंक देंगे और साफ पानी का इस्तेमाल करेंगे बॉईल करने के लिए, क्योंकि रात भर भिगो कर रखे हुए पानी में थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, तो बेहतर है कि आप इस पानी को फेंक दें। तो आप प्रेशर कुकर ले लेंगे और प्रेशर कुकर में हम भिगो कर रखा हुआ चना डाल देंगे। तो लीजिए, प्रेशर कुकर में चने पलट लिए हैं। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल दें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और साथ ही ऐड करेंगे नमक 1/2 छोटा चम्मच करीब। नमक डालने के बाद इसे चम्मच से मिला लें और फिर प्रेशर कुकर की लीड लगा करके हम इसे 3 से 4 सीटी पर बॉईल होने रख देंगे। चने को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। चना अगर ओवर कुक हो गया तो थोड़ा सा मैशी जैसा हो जाएगा, जिससे कि बाद में चने अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो ये देखिए, चना बॉईल हो गया है और जो पानी था मैंने उसे भी छान लिया। ये मैं आपको चना मसल के दिखा देती हूँ कितने अच्छे से परफेक्टली बॉईल हुए ये। तो अभी से हम पलट लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। अब चने में चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर और नमक डालकर अच्छे से मिला लें। जब आप चने को बॉईल करके छान लें तब तुरंत ही ये सब डालकर मिलाएं, जिससे कि तीनों ही चीज़ें चने पर अच्छे से कोट हो जाएंगी। और ये भी ध्यान रखें कि चने में पानी ना हो। चावल के आटे से क्रिस्पी लेयर बनती है। अगर चावल का आटा आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, मैदे से भी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी लेयर बनती है। तो ये लीजिए, चने को हमने चावल के आटे, कॉर्नफ्लोर और नमक से कोट कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में फ्राई करने की ज़रूरत भर का तेल गर्म कर लें। तेल गर्म हुआ है कि नहीं पहले एक चना डालकर चेक कर लें। चना गर्म तेल के कॉन्टैक्ट में आते ही फ्राई होना स्टार्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं किस तरह से चने पर तेल की बबल्स बनना शुरू हो गए। इसका मतलब तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैं पहले ये चना निकाल लेती हूँ और साथ ही मैं नमक भी टेस्ट कर लूँगी। अगर नमक कम हुआ तो हम अगले स्टेप में ऐड कर सकते हैं। अब हम गर्म तेल में कोट किया हुआ चना डालकर चने को फ्राई करेंगे मध्यम आँच पर 3 से 4 मिनट के लिए। और इसे फ्राई करते समय हम कलछी की मदद से बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, क्योंकि चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर जो हमने कोट किया है वो फ्राई हो जाना चाहिए और चने पर एक क्रिस्पी सी लेयर बन जानी चाहिए। तो सभी चने को मैंने फ्राई कर लिया है। तो चने फ्राई करने के बाद इसे प्लेट में निकाल कर रख लें। और फ्राई होने के बाद आप देख सकते हैं सभी चने पर बहुत ही अच्छी से एक क्रिस्पी लेयर बन गई है। मैंने 1 कप काबुली चना भिगो कर रखा था। चने की क्वांटिटी आप अपने खाने के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसे हम साइड में रख देंगे और फिर बढ़ते अगले प्रोसेस की तरफ। गैस पर दूसरा एक पैन या कढ़ाई रखें और 3 बड़ी चम्मच तेल गर्म कर लें। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो लहसुन की कलियाँ डाल दें। लहसुन अगर आपको अच्छी नहीं चाहिए हो तो आप इसे रफली चॉप करके सुनहरा होने तक फ्राई कर सकते हैं धीमी आँच पर। जब गार्लिक गोल्डन ब्राउन हो जाए तब ऐड करेंगे करी पत्ता। इसे हम कुछ ही सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही करी पत्ता चटकना बंद कर दें तब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और फ्राई किया हुआ चना डालकर मिला लेंगे। ध्यान रखें ये जो प्रोसेस है आपको थोड़ा सा फास्ट करना है, वरना लाल मिर्च पाउडर का कलर ब्राउन हो जाएगा फ्लेम पर। अगर आप गार्लिक का फ्लेवर और चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप चाहें तो भुना जीरा पाउडर या फिर गर्म मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बेझिझक होकर मसाले ऐड करें। ये देखिए, चना मिलाने पर कितना अच्छा कलर आ गया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर का। अब इसमें ऐड कर लें अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाले भी ऐड कर सकते हैं। और फिर डाल दें हरे धनी की पत्तियाँ। हरे धनी की पत्तियाँ डालने के बाद गैस को बंद कर दें और फिर इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिला लें। बहुत ही ईजी रेसिपी, आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे इसे। तो ये मेरा गार्लिक चना बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अब इसका टेक्स्चर देखें कितना अच्छा कलर आया है और फिर बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी लेयर बनी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिसके वजह से आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलता है अगले वीडियो पर। बाय बाय।